हेलो दोस्तों, मैं विशाल गोयल आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, कईयों को मेरे पे फ़ोन आता है कि हार्डवेयर के बिज़नेस के लिए हम सामान कहां से लें। तो दोस्तों, अब मेरा ये मानना है कि आप शुरुआत कर रहे हैं इस बिज़नेस में, तो आप अपने आसपास के होलसेलर या जो वहां पे सप्लाई कर रहा है उनसे सामान लेना एकदम सही है, क्योंकि वो इस सामान की पूर्ति कर सकते हैं। आप चाहोगे इस दुकान खोल ली और डायरेक्ट होलसेल मार्केट में चलते हैं तो वहाँ तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि हर किसी आइटम की अलग अलग दुकानें होती हैं। कोई एक ही दुकान पे सारा सामान नहीं मिलता है। हार्डवेयर में भी एक आइटम किसी पे, एक आइटम किसी पे। इसलिए आसपास के जो आपके होलसेलर और सप्लायर हैं ना, उन्हीं से माल लेना बहुत सही रहता है, क्योंकि कभी गलत आ जाता है, टूटा फूटा पीस आ जाता है ना, वो तो वहीं बदल तो सकते हैं। अपने आसपास के होलसेलर डीलर से और सप्लायर से ना लेने में फ़ायदा भी होता है, थोड़ा क्रेडिट में मिल जाता है, थोड़ा 20 दिन 21 दिन का, और कई चीज़ें होती हैं। अब आपके वही सप्लायरों से थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो भाई जैसा आएगा वैसा बिकता है, महंगा आता है महंगा बिकता है, सस्ता आएगा तो सस्ता बेचोगे आप। मगर शुरुआत तो आप उनसे ही करें तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि क्या हमारे एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चलता, तो वही तो आपको बताएंगे। होलसेलर या सप्लायर से माल लेते में आपको ये फ़ायदा हुआ ना, आपको जितनी क्वांटिटी में माल चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिल जाएगा। वहाँ पे तो आपको ज़्यादा माल लेके आना पड़ेगा, अब माल कौन सा बिकता है कौन सा नहीं बिकता है। यहाँ पे आप अदला बदली तो कर सकते हैं, कोई माल नहीं बिक रहा है तो उसको आप वापस करके दूसरा ले सकते हैं, है ना। हाँ, आप शुरुआत होलसेलर या अपने आस पास के सप्लायरों से कीजिए, और जब आपका काम जम जाए तो उसके बाद आप बड़ी मार्केट में जा सकते हैं। बस वहाँ पर जाने का फ़ायदा होता है, कई नए आइटम देखने को मिल जाते हैं और सस्ते भी मिलते हैं वहाँ पे। तो फिर आपको कांटेक्ट करके आना है, नंबर लेके आना है, ट्रांसपोर्ट आपको पता करना है, तो वहाँ से भी माल आ जाया करेगा। मगर पाइप वगैरह बड़े बड़े जो आइटम है आपको तो अपने आसपास के होलसेलर से ही लेना पड़ेंगे ना, ये आइटम थोड़ी ना वहाँ से आएंगे। लोहा लंगड़ फावड़े तसर ये सब आपको अपने आसपास के एरिया में से लेना पड़ेंगे। पेंट भी आप अपने आसपास के जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, जो दुकानों को सप्लाई करते हैं ना, उनसे ही लीजिए, कंपनी से अभी नहीं लीजिए शुरू में। कंपनी तो बड़े डीलरों के लिए होती है, छोटे छोटा बिलिंग करवाएंगे कंपनियों से तो आपको ना रेट ज़्यादा लगेगा, जो आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे दूसरे दुकानदारों से। बड़े बड़े होलसेलरों से लीजिए, जिससे आपका माल पड़ते ही में आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा तो बस यही कहना है, आप शुरुआत कर रहे हैं इस बिज़नेस में तो शुरुआत में अपने आसपास पर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, आसपास के होलसेलर और सप्लायरों से ही लें, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। वो ढूंढना तो आपको पड़ेगा अपने एरिया में, कि आपके एरिया में कौन सप्लायर है कौन होलसेलर है आपका सामान का। मैं तो अपने एरिया की जानता हूँ, तो बस यही समझाना था। आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।